हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नीविया सॉफ्ट लाइफ मॉइस्चराइजर के ट्रॉपिकल फ्रूट फ्लेवर का रिव्यू। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि कैसी है ये क्रीम या इसके बारे में सभी बातें, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर दूं। सबसे पहली बात यह है कि आज के वीडियो में मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात यह है कि इस प्रोडक्ट की जो डायरेक्ट लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से चेक जरूर कर लें। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रही हैं तो आपको पता होगा कि मैंने नीविया की कई क्रीम का रिव्यू आपके साथ शेयर किया हुआ है, जैसे कि ब्लू टीन, लाइट मॉइस्चराइजर, एलो हाइड्रेशन। तो अगर आपने उनके वीडियोस नहीं देखे हैं, मिस कर दिए हैं, तो उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं, आप चाहें तो वहां से चेक कर सकती हैं कि वो प्रोडक्ट कैसे हैं। वापस से आते हैं हमारे इस क्रीम पे। तो ये कुछ इस तरह की प्लास्टिक टब पैक में आता है जिसपे प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। इसमें अलग अलग साइजेस भी आते हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कोई भी साइज बाई कर सकती हैं। इसका प्राइस है 85 रुपीज, जिसमें आपको 50 ml की प्रोडक्ट क्वालिटी मिलती है। सेल्फ लाइफ इस पे मेंशन नहीं की गई है, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। मैंने फिलहाल देख लिया 2-3 बार, लेकिन मुझे इस पे सेल्फ लाइफ कहीं पे भी नहीं दिख रही है। बात करते हैं इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट की। तो इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पैकेजिंग पे मेंशन है, बट इस पे कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है कि इसमें पैराबेंस हैं या नहीं, तो ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। वैसे इसके फ्लेवर की बात करें तो इसमें अलग अलग फ्लेवर आते हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो आप उसे बाय कर सकते हैं। मैंने जो फ्लेवर बाय किया है वो है ट्रॉपिकल फ्रूट, ये देखिए। अब बात कर लेते हैं इसकी इनर प्रोडक्ट की। ऊपर आपको कुछ इस तरह का सिल्वर फॉइल मिलता है, जो कि मैं किसी भी टब पैक से रिमूव नहीं करती हूँ। रीज़न भी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेशी हो जाते हैं। तो मैं इसका इनर प्रोडक्ट आपको दिखा देती हूँ। ये है इसका इनर प्रोडक्ट, काफ़ी थिक है। और इसकी जो स्मेल है, वैसे तो ट्रॉपिकल फ्रूट है, बहुत सारे फ्रूट हैं, लेकिन इसकी जो स्मेल है वो स्ट्रॉबेरी की इसमें स्मेल ज़्यादा आती है। तो कुछ इस तरह से ये ब्लेंड हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इस क्रीम को यूज़ करने की। तो आप इसे अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए इजीली यूज़ कर सकती हैं, चाहे डे टाइम हो या फिर नाइट टाइम हो। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ करें अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए, चाहे इस क्रीम को या किसी भी क्रीम को, एक चीज़ ज़रूर मेक श्योर करें कि आपका फेस क्लीन होना चाहिए। मतलब कि आपके फेस पर कुछ भी होना नहीं चाहिए। जितनी बार भी आप मॉइस्चराइजर यूज़ करें तो फेस वॉश के बाद ही यूज़ करिए, जिससे ये चीज़ क्लियर रहे कि आपके फेस पे कुछ डर्ट ना रहे। नहीं तो वो मॉइस्चराइजर के साथ आपके पोर्स के अंदर जाएगा, जो कि बेनिफिट के बजाय हार्मफुल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। बात कर लेते हैं टाइम की। तो आप इसे डे टाइम, नाइट टाइम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने की, क्योंकि अब समर स्टार्ट हो रही है। तो समर में ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन की तो बात अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऑयली स्किन वालों के साथ। अगर मैं ऑयली स्किन की बात करूँ तो ऑयली स्किन वाले भी इस प्रोडक्ट को ईजिली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन टाइप एक्सट्रीमली ऑयली है, कि मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें और वो आपके प्रोडक्ट आपके फेस पे ना टिके, आपका फेस जो है वो ऑयली शाइनी होता रहे, तो एक्सट्रीमली ऑयली स्किन वालों के लिए ये समर के लिए सही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी स्किन टाइप नॉर्मल, कॉम्बिनेशन ड्राई और ऑयली है, तो आप इस प्रोडक्ट को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ये आपके फेस में बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं मेरा हाथ आपको बिल्कुल भी शाइनी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये आपके फेस को बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं बनाता है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो हो सकता है कि ये आपके फेस को शाइनी बनाना स्टार्ट हो जाए, लेकिन ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन वालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
बात गलत है इसके साइड इफेक्ट की, नहीं इसका कोई भी साइड इफेक्ट मैंने अपने फेस पे नोटिस नहीं किया है। हाँ इसका कोई भी साइड इफेक्ट मैंने अपने फेस पे नोटिस नहीं किया है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करने की बात करूँ तो मैं ज़्यादातर इस प्रोडक्ट को इस एरिया में, मतलब कि मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है कि मेरी आईलिड जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई, और टी जोन, मतलब आप ये समझ सकती हैं कि मेरा टी जोन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, तो मैं ऐसे में इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ अपने टी जोन के लिए, जिससे कि मेरा फेस जो है वो मॉइस्चराइज रहे। स्टेइंग पावर की अगर मैं बात करूँ, स्टेइंग पावर काफ़ी अच्छी है, 3 से 4 घंटे तक तो ईजिली चल जाएगा, लेकिन अब गर्मी स्टार्ट हो रही है तो स्टेइंग पावर ज़्यादा ही रहेगी इसकी। बेनिफिट की बात करूँ, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फेस को काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखता है, सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, काफ़ी फ्रेश फील होता है, स्मेल भी काफ़ी। इस क्रीम से रिलेटेड एक बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि हम निविया की जो क्रीम है उसे अपने हैंड पे बॉडी पे भी यूज़ कर लेते हैं, तो वो सही है या नहीं? हाँ बिल्कुल सही है, आप ईजिली यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटी आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेनी पड़ सकती है क्योंकि फेस पे इतनी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी सी क्रीम इनफ होती है, तो बॉडी पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, बट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली यूज़ कर सकती हैं। फाइनल वर्ड की बात करूँ तो फाइनल वर्ड यही है, प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने इसकी पैकेजिंग की वजह से ही इस प्रोडक्ट को बाय किया है, क्योंकि मुझे इसकी पैकेजिंग जो है वो बहुत अच्छी लग रही थी। इसका जो बड़ा साइज था वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, ये थोड़ा सा क्यूट लग रहा था, इसलिए मैंने इसका छोटा साइज बाय किया है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट को बाय कर सकती हैं, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, आप इसे इजीली यूज भी कर सकती हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस प्रोडक्ट को पहली बार यूज़ कर रही हैं तो पैच टेस्ट जरूर कर लें, और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी स्किन टाइप जो है वो ऑयली है, मतलब कि एक्सट्रीमली ऑयली है, ऑयली स्किन मेरी भी है, अगर आपकी स्किन टाइप एक्सट्रीमली ऑयली है तो ये आपके लिए समर के लिए सही नहीं रहेगा, बट विंटर में आप इसे ईजिली यूज़ कर सकती हैं। बाकी जितनी भी स्किन टाइप है आप इसे ईजिली यूज़ कर सकती हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप मेरे सभी वीडियोस देख सकें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।